अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अयाज़ गिल आपकी खिदमत में फिर से एक दफ़ा हाजिर है दोस्तों। आज फिर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो अलजमान मोटर्स पे मैं मौजूद हूं। इनका जो एड्रेस है, जब आप चांदा किला से सिटी की तरफ जाते हैं तो कश्मीर पार्क के साथ बिल्कुल जो है इनका शोरूम है, इनका जो बोर्ड है आप लोगों को नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप के आज की जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज की जो गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी है 2013 मॉडल अल्टस गाड़ी है, तो उसका आज की वीडियो में आप लोगों को रिव्यू करवाया जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोस हैं गाड़ियों के बारे में वो आप लोग देख सकें। तो अभी जो है गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि आज हम आप लोगों को कौन सी गाड़ी दिखाएँगे और उसका कौन सा मॉडल है और उसकी कंडीशन क्या है। तो अभी गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी। तो दोस्तों आज जो हमारे पास गाड़ी है, ये है जी अल्टस गाड़ी है, और ये आप देख सकते हैं ये है जी 2013 का मॉडल है ये। और अगर इसकी रजिस्ट्रेशन आपको दिखाएं तो ये लाहौर नंबर है, और इस गाड़ी की जो ऑल ओवर कंडीशन है माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हालत में इस गाड़ी की कंडीशन है। बाकी आप इसकी लाइट्स वगैरह अगर आप लोगों को दिखाएं तो इसकी लाइट्स आप देख सकते हैं, लाइट्स की जो कंडीशन है वो भी ज़बरदस्त है। अगर अब इसकी जो साइड है वो आप लोगों को दिखाते हैं हम, साइड अगर आप इसकी देखें तो इसमें जो है दो से तीन जो पीसीज हैं गाड़ी के बाहर से, उनमें थोड़ी सी टचिंग हुई हुई है। बाकी ये जो गाड़ी है दोस्तों, ये टोटल जेन्युइन गाड़ी है। अगर मैं टायर्स दिखाऊं आप लोगों को तो टायर्स आप देख सकते हैं, टायर्स की जो कंडीशन है माशाल्लाह से 70-80% गाड़ी के टायर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये थोड़ा सा हल्का सा स्क्रैच वगैरह पड़ा हुआ है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये तो हमने थोड़ी सी साइड आपको दिखाई है, अभी बैक साइड इस गाड़ी की दिखाते हैं आपको, आ जाइए। तो दोस्तों ये आप बैक साइड इसकी देख सकते हैं, इसकी जो पीछे वाली लाइट्स हैं, इसके जो डिक्की है, इसका जो बम्पर है पीछे वाला, इस पर जो है मुझे कोई भी स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो पीछे से जो गाड़ी है तकरीबन बहुत ही ज़बरदस्त हालत में है, कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं जी, ये 1.6 इंजन में है ये गाड़ी, 1.6 पावर है इसकी, और इसके अलावा ये 6 स्पीड गियर में है ये गाड़ी। तो अभी दोस्तों गाड़ी जो है इसका इंटीरियर आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके इंटीरियर की क्या कंडीशन है जी। तो अभी जो है इस गाड़ी का इंटीरियर आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो इसका दरवाज़ा आप देखें, दरवाज़े की जो कंडीशन है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। गाड़ी की जो दरवाज़े की जो सीलें हैं ज़बरदस्त हैं, गत्ते जो हैं वो ठीक ठाक हालत में मौजूद हैं। अभी चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड दोस्तों आप लोगों के सामने है, डैशबोर्ड आप देखें कोई भी मुझे स्क्रैचेस वगैरह नज़र नहीं आ रहा, और बहुत ही ज़बरदस्त हालत में इसका डैशबोर्ड है। इसकी गियर ट्रांसमिशन आप लोगों को दिखाऊं तो गियर ट्रांसमिशन जो है इसकी मैनुअल में है, और इसमें 6 गियर्स हैं, ये 6 स्पीड गियर्स में है। एलसीडी आप देख सकते हैं, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, एसी इसका दोस्तों फुल टाइम चिल्ड है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं। सीट्स की बात करें तो सीट्स आप देख सकते हैं, सीट्स की जो कंडीशन है वो भी बहुत ज़बरदस्त हालत में सीट्स हैं इसकी। अभी पीछे वाली सीट्स अगर आपको दिखाएँ तो पीछे वाली सीट्स हैं वो भी देख सकते हैं, माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन इसकी सीटें हैं। छत दिखाएं तो छत आप देख सकते हैं, छत भी जो बिल्कुल अपनी जेन्युइन हालत में मौजूद है, और आप कह सकते हैं कि टोटल जेन्युइन गाड़ी है ये अंदर से। जस्ट इसके दो से तीन पीस जो हैं वो हल्की सी टचिंग हुई हुई है। बाकी नीचे मैट्स दिखाएँ, इसके जो मैट्स हैं वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त हालत में है। चारों मैट जो हैं इसके वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, अच्छी कंडीशन में हैं। तो अभी जो है दोस्तों अंदर से गाड़ी आप लोगों को दिखा दी है, गाड़ी का जो ट्रंक है वो भी दिखाते हैं, और इसका इंजन की क्या कंडीशन है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। बाहर से अभी इसका ट्रंक तो आप लोगों को दिखाया था, इसके डिक्की, अभी अंदर से इसका जो ट्रंक है वो दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप इसकी डिक्की चेक करें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसकी डिक्की है, कोई भी रस नज़र नहीं आ रहा मुझे। और इसकी जो सीलें हैं माशाल्लाह से अपनी जेन्युइन हालत में मौजूद हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि न्यू की न्यू ये गाड़ी लग रही है मुझे। अंदर से आप इसकी डिक्की स्पेस देखें सारी, कितनी माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन है और ज़बरदस्त हालत में मौजूद है। नीचे दिखाएँ तो इसका हौदा देखें जनाब, कितना चमचमा रहा है, बहुत ज़बरदस्त हालत में है। स्टपनी देखें, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक हालत में है। जैक पाना राड, इसकी जो एक्सेसरी है ये भी अंदर मौजूद है। तो दोस्तों अभी जो है गाड़ी का इंजन आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके इंजन की क्या कंडीशन है जी। तो अभी इसका इंजन दिखाने से पहले सॉरी मैं एक बात भूल गया था, ये इसका बैक कैमरा भी आप देख सकते हैं, बैक कैमरा भी जो है इसमें लगा हुआ है। और अभी इंजन की तरफ बढ़ते हैं, अभी इसका इंजन आप लोगों को दिखाते हैं। ये मैंने इसका बोनट खोल दिया, काफ़ी वजनी है। तो अभी आप देखें इसका इंजन जो है फुल पैक्ड इंजन है, और बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त है। कुप्पे देख सकते हैं इसके, कितने नीट हालत में इसके कुप्पे हैं। इसके अलावा फ्रंट पट्टी अगर आपको दिखाएं तो वो भी आप देख सकते हैं, स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं, ड्राइव बैटरी है इसमें, इंजन जो है टोटल पैक्ड है, इसमें कोई भी मुझे लीकेज वगैरह नज़र नहीं आ रहा कहीं से भी। तो दोस्तों अभी जो है इसका बोनट आपको दिखाते हैं।
बोनट आप देख सकते हैं जी, वो भी सीलों में प्रॉपर स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं, और टोटल आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी 2013 मॉडल होने के लिहाज से। जी तो दोस्तों, अल्टस ये गाड़ी है, 2013 का ये मॉडल है, लाहौर की रजिस्ट्रेशन है, और गाड़ी का जो है 2 से 3 पीस इसके जस्ट टचिंग हुए हुए हैं, बाकी ये गाड़ी जो है टोटल जेन्युइन है। एसी इसका फुल टाइम चिल्ड है, और इसके अलावा इसमें जो गियर्स हैं 6-स्पीड गियर्स हैं इसमें, 1.6 इसका इंजन है, और इसके अलावा ये जो एवरेज है आपको तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर जो है ये पर लीटर के हिसाब से आपको एवरेज देगी। तो गाड़ी के जो टायर्स हैं वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त हालत में है। तो अभी दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो आपको बताते हैं, इसकी जो प्राइस डिमांड की जा रही है अलजमान मोटर्स पर 20,50,000 रुपये इसकी डिमांड की जा रही है, और प्राइस ज़ाहिर सी बात है फिक्स नहीं है। आप यहाँ पे आएँ, गाड़ी विज़िट करें, गाड़ी देखें, अपनी तसल्ली करें, और प्राइस में जो है इंशाल्लाह कमी पेशी हो जाएगी। स्क्रीन पर आपको इनका नंबर भी नज़र आ रहा होगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके तो मज़ीद जो गाड़ियों की मालूमात है आप इनसे ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी, कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी थी, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकन का निशान है उसको प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल सके। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।